नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल आदिदेव शर्मा। आप लोगों के लिए बहुत दिन के बाद वीडियो डाल रही हूँ, वो भी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि प्लीज़ दीदी मेरे मतलब एक वीडियो तो डालो, एक वीडियो के मैं बहुत सारी वीडियो डालूंगी, पर मुझे अभी थोड़ी प्रॉब्लम है, इस वजह से भी थोड़ा दिक्कत होता है। तो क्योंकि ऐसे टाइम पे गोलियां ले नहीं सकते, जैसे सिर में दर्द हो या जुकाम हो जाए, और मेरे को ना सिर पे लगाने से बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है और बहुत जल्दी सिर में भी दर्द होता है, ये मेरी दिक्कत है। तो पहले तो क्या पैक वगैरह लगाते थे, तो अगर बाई चांस सिर में दर्द होता है या जुकाम हो जाती तो गोलियां भी ले लेते, दवाइयां भी ले लेते, तो उसे क्या होता था ना कि जो जुकाम मतलब हो जाती थी तो वो सही भी हो जाती। अभी अभी नहीं लेना मतलब नहीं लेना, तो ऐसे भी होता है तो फिर सर में दर्द और हाथ पैरों में दिक्कत ये बहुत रहता है। तो इस वजह से मैंने वीडियो आप लोगों के लिए कम कर दिया, पर हाँ अब मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए मैं जैसे वीडियो डालूंगी तो उसमें हेयर फॉल के लिए, जैसे मेरे को कमेंट आ रहा था कि दीदी हेयर फॉल बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उस वजह से मैं अभी बाल बढ़ा नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं जब तक मेरा जो डिलीवरी डेट है वो मार्च का है, तो मैं तब तक वीडियो आप लोगों के लिए मतलब लॉन्ग हेयर के लिए मेरे लिए नहीं डालूंगी मैं, मतलब मेरे को अभी बड़े बाल नहीं करने हैं, तो मैं अभी उस चीज़ को कम कर दी हूँ। हाँ, जैसे हेयर फॉल ना हो, बालों की ग्रोथ ना रुके और बाल आपके लॉन्ग भी हों, तो ऐसे पैक मैं हालांकि बहुत कम लगाऊंगी, पर जैसे भी लगाऊंगी मैं आप लोगों के लिए वीडियो डालूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट आपको लेना है कलौंजी, और कलौंजी आप जैसे पानी बना के, आपको मैं बता दे रही हूँ यहाँ पर मैं शैम्पू और पैक दोनों ही चीज़ें बता रही हूँ, ताकि आप रेगुलर उसको इस्तेमाल कर सकें, और प्रॉपर आप अगर ऑयलिंग करना चाहते हैं तो तुलसी वाला ऑयल सर्दियों में भी बेस्ट रहता है, सर्दियों में बहुत बेस्ट रहता है तुलसी वाला ऑयल, और प्रॉपर तुलसी का, ठीक है, ऑलिव ऑयल ले लो या कोकोनट ऑयल ले लो आप, प्रॉपर तुलसी में अगर आप उस ऑयल को बनाते हो तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है, डैंड्रफ की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाती है, हेयर फॉल जो हो रहा है आपका वो भी कम हो जाता है, और जो ग्रोथ होती है वो भी अच्छी होती है, और सबसे बेस्ट चीज़ है कि इचीनेस होती है ना हमारे, जैसे ऐसा लगता है कि हमारे बाल बहुत मतलब रुका रुका और इच रहा है, तो आप ऑलिव ऑयल या प्योर कोकोनट ऑयल में बिना कुछ भी मिक्स किए आप केवल उसी में बनाना, ठीक है। कांच का जार लेना, उसमें आप तुलसी को डालना कूट के, ठीक है, मैं यहाँ पर पहले ऑयलिंग बता रही हूँ, कूट के डालना, ठीक है, कूट के आप अगर डालते हो तो उसका रस अच्छा सा मतलब एक उसमें बन जाता है, जो रस आपका कूटने से उसमें आ जाएगा, अगर आप पीसते हो वो चीज़ नहीं करना, कूट के लेना आप, फिर उसको आप उस ऑयल में डालना, चाहे ऑलिव ऑयल में बना रहे हो या कोकोनट ऑयल में बना रहे हो, उसमें डाल के आपको धूप में रख देना कम से कम 15 दिन के लिए, ठीक है, और अब तो सर्दियों की धूप है तो आप आराम से रख सकते हो, ठीक है, और आप खुद भी धूप में बैठो, सिर को धूप लगाओ तो और भी अच्छा रहेगा। तो फिर ये तो हो गया ऑयलिंग का, 15 दिन के बाद से आप लगाना स्टार्ट कर दीजिए, और फिर आपको यहाँ पर मैं पैक और शैम्पू के लिए बता रही हूँ, तो उसमें आपको लेना है कलौंजी, ठीक है, कलौंजी की क्वांटिटी आप 10 दिन के लिए बना रहे हो, 15 दिन के लिए बना रहे हो, उसी हिसाब से लेना, 3 से 4 चम्मच या 2 चम्मच आप देख लेना हो, ठीक है, और फिर लेना आपको मेथी, और फिर लेना आपको चावल, चावल जो भी आपके पास में उपलब्ध है, कच्चा चावल लेना आपको, जो भी उपलब्ध है आपके पास में, पका हुआ नहीं लेना, कच्चा लेना है, उसको तीनों को अच्छे से या तो आप एक बार धो लीजिए, नहीं धुला हुआ भी हो ना तो चावल जरूर धो लेना, मेथी और कलौंजी धोने की तो जरूरत नहीं है, चावल आप धो के सुखा के फिर काम में ले लेना, एक डिब्बे में भर के रख लेना, अगर ऐसे नहीं करते तो तुरंत धोकर और फिर डाल देना, ठीक है, ये तीनों चीज़ें आप डाल करके अच्छे से, और 2 कप मैंने 2 गिलास पानी डाला है, तो आप जितना आप बनाना चाहते हो उतना आप बना सकते हो, तो आप उस हिसाब से पानी भी डाल सकते हो, ठीक है, और फिर ढक करके इसे कम से कम 1 दिन के लिए रख दीजिए, 1-2 दिन के लिए रख दीजिए, और फिर आपको जब इसको काम में लेना है, जैसे 2 दिन के बाद में तो काम में लेना ही है आपको, तो आप इसे उबालिए, ठीक है, जब तक उबालिए जब तक आपका जो चावल है वो पकना जाता है, ठीक है, चावल पक जाए, उसका मार जैसा बन जाए, तीनों चीज़ों का एकदम लिक्विड फॉर्म हो जाए, तब उसको आप छान लीजिए, छानने के बाद में आप उसको तो पैक के लीजिए, पैक के लिए काम में ले लीजिए, और उसका पानी है वो शैम्पू के लिए काम में लीजिए, शैम्पू आप जो भी आपको सूट करता है वो मिला लीजिए, और हेयर वॉश करने के बाद में आपको ये पैक लगाना है, उसको नॉर्मल पानी से धोना है, कोई शैम्पू इस्तेमाल नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, खाली नॉर्मल पानी से धोना, और पैक केवल आपको 1 घंटे के लिए लगा के रखना है, ज़्यादा नहीं, और हो सके तो जितना हो उतना पैक लगा के आप धूप में बैठना, ताकि आपके बालों से पैक अच्छे से सूख सके, और फिर सूखने के बाद में वो निकलता भी उतनी जल्दी से, अगर गीला होता है तो वो चिपचिप करता है, निकलता नहीं है। तो यहाँ पर आपको पैक, ऑयल और शैम्पू की जो वीडियो है मैंने आप लोगों को डाली है, तो प्लीज़ आप लोग जरूर देखना, क्योंकि कमेंट अगर आप लोग करते हो तो मैं भी उसी विश्वास से आप लोगों के लिए वीडियो डाल रही हूँ, तो आप लोग इस चीज़ को जरूर फॉलो मतलब फॉलो करना, जो मैंने रेमेडी बताई उसको जरूर ट्राई करना, अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो मेरे को बताना ज़रूर, क्योंकि मैं अभी इतना ट्राई नहीं कर पा रही हूँ कोई भी चीज़ें, पर हाँ मैं आपको लगाने बताने से पहले लगाऊंगी जरूर उस चीज़ को, और ये मेरी इस्तेमाल की हुई चीज़ें आपको पता है, तो मैं प्रॉपर इस चीज़ को इसलिए बता रही हूँ ताकि जिनका भी हेयर फॉल हो रहा है वो रुक सके, ठीक है, और ओके बाय, आई लव यू।